इसका सेकंड नंबर देख रहे हैं, इसे भी मैं SN मान लेता हूँ, 0.6 लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, 0.66 0.666, इसी तरह से कहां तक गया है, N पदों तक इसका हमें योगफल निकालना है। यहाँ भी सेम उसी तरह से मैं 6 कॉमन कर लेता हूँ, तो 0.1 बचेगा, 0.11 बचेगा, 0.111 बचेगा, यही कहां तक चल जाएगा, N पदों तक। सेम उसी तरह से 9 से भाग, 9 से गुना करेंगे, 9 से भाग कर देते हैं और फिर अंदर 9 से गुना करेंगे, तो 9 से गुना करेंगे तो 0.9999, ये कहां तक चल जाएगा, N पदों तक, N पदों तक। अब देखो ये बाहर कट जाएगा ना, 2/3 हो जाएगा, मैं सीधे लिख देता हूँ 2/3। यहाँ देखो मैं इस 0.9 को मैं एक काम करता हूँ, 1 - 0.1 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसे, चलिए है ना, समझ रहे ना बात को, या इस पॉइंट को हटा के 1/10 भी कर सकता हूँ, बाद में किया जाएगा, 1 - 0.01 कर देता हूँ, घटाओगे तो यही आएगा, 1 - 0.001 कर देता हूँ, ये तक कहाँ चला गया है, N पदों तक, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, 2/3 ब्रैकेट में, यहां देखो 1 1 1 सबको अलग कर लो, 1 + 1 + 1 कहां तक गया है, N पदों तक, और फिर माइनस है, और ये फिर क्या है, 0.1 0.01 0.001, ये सब कहां तक चल गया है, N पदों तक, N पदों तक यह गया हुआ है, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, इस दशमलव को हटाते हैं, 2/3 ब्रैकेट में 1 + 1 + 1 ये कहां तक है, N पदों तक, N पदों तक, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। यहां पे मैं कर देता हूं 1/10, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का क्यूब हो जाएगा, ये कहां तक चला गया, N पदों, 2/3 ब्रैकेट में इसका n हो जाएगा माइनस, ये जीपी में आ गया, a ब्रैकेट में 1 - r का पावर n, समझ रहे ना, 1 - क्यों लगा रहा, क्योंकि देखो r का मान जो है 1/10, 1 से छोटा है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ, a ब्रैकेट में 1 - r का पावर n बटा में 1 - r, यही करेंगे, यहाँ भाग करेंगे तो 1/10 आ जाएगा r इसका पावर n, और बटा में 1 - 1/10, यही ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए आगे देखते हैं, 2/3 ब्रैकेट में n माइनस 1/10, मैं अंदर क्या काम करता हूँ, 1 - इसे 10 - n कर देता हूँ, कर सकता हूँ ना जी, और नीचे जो है, नीचे एलसीएम ले लेता हूँ, 10 - 1, ये कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, समझ रहे ना बात को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2/3 यहाँ पे मैं गुना कर दू क्या, या अगले स्टेप में किया जाएगा, n माइनस, यहां देखो घटेगा तो 9 आ जाएगा, 1/9 ब्रैकेट के अंदर 1 - 10 का पावर - n, यही ना होगा आपका, समझ रहे ना बात को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये 2/3 से इंटू कर देते हैं, तो 2/3 n माइनस 2/27 ब्रैकेट के अंदर 1 - 10, 1 - होगा ना, मैंने बच लिख दिया, 1 - 10 का पावर - n, यही ना आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस वीडियो को मैं यहीं पेंट करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है, दूसरा है भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, वहां से आप इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।